और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक बड़ा बयान सामने आया कि मेरे कहने पर प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी में आए, शिशुपाल की जीत उमा भारती की जीत है, पृथ्वीपुर में राठौर परिवार का खौफ और आतंक है, सुनील नायक के हत्यारे आज खुले में घूम रहे हैं, ये सारी बातें उमा भारती ने यहां पर कही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का यह बड़ा बयान सामने आया यहां पर, तो मेरे कहने पर प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी में आए, उमा भारती ये कहती है। उमा भारती पृथ्वीपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंची है, पहली बार ऐसा हो रहा है इस उपचुनाव में कि वो प्रचार करने यहां पर पहुंची है, अभी तक के वो प्रचार करते हुए नजर नहीं आई थी। मेरे साथ उमा भारती जी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। दीदी, आप मंच से कह रही थी कि ये मेरे प्रत्याशी शिशुपाल यादव जी, मैंने टिकट दिलवाया और पहली बार प्रचार, मैंने ये कहा कि उनसे उनको टिकट दिलाने के बारे में मेरी राय पूछी गई तो मैंने कहा कि हाँ उनको मिलना चाहिए, आप अपना रिकॉर्ड देख लेना। हाँ, लेकिन दीदी आपने बोला कि इसलिए मैं प्रचार करने आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इस इलाके में आतंक है और उसको दूर होना चाहिए। इस इलाके में आतंक रहा है और बृजेंद्र पाल जी का निधन हो गया, लेकिन उस आतंक का निधन नहीं हुआ, क्योंकि आतंक का एक संगठित गिरोह बन गया था और वो हर चीज़ पे कब्जा किए हुए थे, गरीबों को योजनाओं के कोई लाभ नहीं मिलते थे। खाली हमारी सरकार के समय पर, जब भाभी विधायक थी तो उस समय पर थोड़ी चेष्टा हुई, इसलिए शिशुपाल जी एक बहुत ही पढ़े लिखे योग्य और बुद्धिमान प्रत्याशी हैं और बहुत अच्छी छवि और संस्कार के प्रत्याशी हैं, और इसलिए जब शिवराज जी ने मुझे कहा और उनने दो तीन नाम बताए तो मैंने कहा कि इसमें से आप किस नाम को उपयुक्त मानते हैं, तो उन्होंने जो नाम मुझे कहा तो मैंने अनीता भाभी से पूछा फिर, क्योंकि सुनील जी की हत्या हुई थी यहाँ पर, सुनील नायक जी की, हमारे जो यहाँ से उम्मीदवार थे, तो मैंने उनसे उनकी पत्नी से पूछना बहुत जरूरी था कि उनका आशीर्वाद जरूरी था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरा आशीर्वाद उनके साथ में है, और तब मैंने कहा कि आप शिशुपाल जी को मेरा उम्मीदवार मान लीजिए, ये मैंने अभी कहा और मैं अभी भी कहूँगी और आगे भी मैं इस पर कायम रहूँगी कि शिशुपाल की जीत मेरी जीत होगी। हाँ बिल्कुल, यही कहा था आपने मंच से। एक चीज़ और है, कांग्रेस के लोग आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि सरकारी तंत्र जमीन पर हमारे कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं और वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिनने सिर्फ डराने का ही काम किया हो, जो डरा करके ही चुनाव जीते हों, अगर वो डर रहे हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता, फिर तो ये तो तीर्थ यात्रा के बराबर हो गया, इसमें तो बहुत पुण्य मिलेगा। दीदी, अगर डराने वाला आतंकी अगर आतंकित हो गया ना तो ये तीर्थ यात्रा के बराबर हो गया। आप यहाँ की बहुत बड़ी नेता मानी जाती है बुंदेलखंड की, लेकिन पलायन की बात आपने खुद ने करी कि दिल्ली जब यहाँ के लोग जाएं तो राज करने जाएं ना कि मजदूरी करने जाएं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भी थोड़ी बहुत जिम्मेदार है उसकी, क्योंकि पलायन आपकी सरकार को भी 15-16 साल हो गए यहाँ पे, भले से ही कांग्रेस के विधायक रहे। बीजेपी सरकार के कारण ही बुंदेलखंड की सड़कें अच्छी बन पाई, यहाँ रोजगार की योजनाएं आ पाई, ये लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ पाए, लेकिन हाँ ये जरूर यहाँ पर हुआ इस विधानसभा में खास करके कि जो दबंगों का उत्पात यहाँ रहा और जो आज भी मौके की ताक में है अब, कि उसके कारण यहाँ बहुत कठिनाइयाँ रही है, यद्यपि विकास की चेष्टा कम नहीं हुई, विकास के पूरे प्रयास हुए हैं, इसलिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदौलत है कि आपको यूपी और एमपी के बुंदेलखंड में इतना अंतर नजर आता है। जो अंतर पाटने की कोशिश करी वो अभी योगी जी ने 3-4 साल में करी, नहीं तो आपको खुद याद होगा कि यूपी का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इतना फर्क नजर आता था कि लोग बिल्कुल कहते थे कि हे भगवान दूसरी ही दुनिया में आ गए। ये फर्क हमारी सरकार के कारण था, शिवराज जी के कारण था। एक चीज और आपने बोली मन से कि कमलनाथ जी गायब थे, मिस्टर इंडिया थे, 15 महीने गायब हो जाते थे, जनता को ऐसा मुख्यमंत्री पसंद ही नहीं था, क्योंकि हम लोग तो वो लोग हैं जो घर घर जाते थे और लोगों से मुलाकात करते थे, इसी के कारण हम लोगों को मजबूरी में हो गया था इस सरकार को खड़ा करने के लिए। प्रद्युमन सिंह लोधी ने भी इसलिए आप लोगों का साथ दिया। हमारे साथ में एक विधायक खड़े हैं, ये मंत्री रहे हैं लगातार, 8 बार विधायक बने हैं गोपाल भार्गव जी, लेकिन आज भी ये घर घर घूमते हैं और आपको पता है चुनाव के समय कहीं नहीं जाते, घर बैठते हैं, कह देते हैं कि मैं घर पे बैठूंगा, फिर भी आप ये अनोखे विधायक हैं, चुनाव के समय वोट मांगने नहीं जाती, खाली मैं इनकी सभा करने जाती हूँ और तब ये उस दिन मंच पे आते हैं, क्योंकि लोग इनको स्वतः वोट देते हैं। मुझे लगता है शिशुपाल का नंबर लगने ही वाला है गोपाल भार्गव जी के बाद में, जो 5 साल काम करेंगे और चुनाव के समय पर लोग इनको खुद वोट देंगे, इनको वोट मांगने नहीं पड़ेंगे, इतने अच्छे और समर्पित और कमिटेड प्रत्याशी को टिकट दिया है। आप देखिए ना, जायज हक यहाँ पे था जिस सुनील नायक की हत्या की थी इसी परिवार के लोगों ने, हत्यारे आज भी खोले घूम रहे हैं क्योंकि वो जमानतों को छूटे हुए हैं, उनकी पत्नी ने भी कहा कि मेरा आशीर्वाद उनके साथ है दीदी,
तो इसलिए इसी से आप समझ जाइए कि वो कितने अच्छे प्रत्याशी का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री, जो साफ तौर पर यहाँ पर जो पलायन है उसको लेकर वो कांग्रेस के यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन पर आरोप लगा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी कह रही हैं कि उनका आतंक है इस इलाके पर, उस आतंक को खत्म करना होगा। कैमरामैन कोलू राजावत के साथ शबराय मैथ, न्यूज 24 पृथ्वीपुर।